फ्रेंड्स माय नेम इज रोहित और मैं आज आपको लेकर कह रहा हूँ कि आपको क्लास 10 का जो ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली जो रिसोर्सेज है वो है क्या और डेवलपमेंट क्या होता है। तो यहाँ पे इसमें आपको समझना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हम रिसोर्सेज की बात करेंगे तो रिसोर्स क्या होते हैं कि जो हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी नीड को क्या करते हैं पूरे करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं रिसोर्स कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एक चीज समझना कि एवरीथिंग अवेलेबल यहाँ पर इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, वो क्या करता है कि विच कैन बी यूज्ड सेटिस्फाई आवर नीड्स। वही मैंने कहा कि जो हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं रिसोर्स कहते हैं। अगर एक बात हमें याद हो गई कि एक्चुअल में जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे जो, तो जैसे क्या होता है कोई भी ऐसा रिसोर्स है हाँ आप ले लेंगे जो आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करता है, जितने भी चीजें होती हैं सब अपने आपके जो भी जरूरत होती है उनको आप पूरा करते हैं। आपको एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, बाइक चाहिए, आपका एवरीथिंग जो भी चीज चाहिए आपकी जरूरतें क्या होती है पूरी होती है, दैट मींस कि उसको हम लोग क्या कहते हैं रिसोर्स कहते हैं। अंडरस्टूड। यानी अगर आगे की बात करेंगे तो यहाँ पे एक चीज और है कि प्रोवाइडेड इफ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल और इकोनॉमिकली फेजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है, ये तीन बातें इसमें होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर इसमें एक केस है, केस ये है कि अगर मान लो कोई गांव में या शहर में ये पता चलता है कि एक किसी मंदिर के नीचे क्रीम ऑयल वहां पे पाया जा रहा है, यानी कि है वहां पे, अगर उसको नीचे अगर हम निकालेंगे तो वहां से मिलेगा, अंडरस्टूड। तो इसको समझने के लिए तो सबसे पहले हमारे पास ये चीज होना चाहिए कि हम इसको समझते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम एक्सेसिबल उससे मतलब उसका यूज करके, उस टेक्नोलॉजी के यूज करके उस क्रीम ऑयल को बाहर निकालें। अगर है तो क्या वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब क्या होता है कि क्या हम इतना पैसा उस टेक्नोलॉजी को यूज कर देंगे, इतना पैसा क्या हमारे पास है जो हम इतना पैसा खर्च कर सकते हैं, ऐसा है। तो नेक्स्ट क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब क्या होता है कि अब मंदिर के नीचे क्रूड ऑयल है, टेम्पल के नीचे क्रूड ऑयल है, दैट मींस कि क्या वहां पे लोग हमको मंदिर तोड़ करके और क्या नीचे से क्रूड ऑयल निकालने देंगे ना, और अगर निकालने देते भी हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं फिर वहां से निकालने के बाद फिर हम इसको क्या करते हैं कि जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं वहां पे हम इनको भेजने काम करते हैं, फिर जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं वहां पे जाने के बाद फिर क्या होता है इसकी रिफाइनिंग होती है, तब जाकर के क्या होता है कि एक जो भी ऑयल्स होते हैं चाहे पेट्रोल या डीजल ले लें है ना, या और भी ऑयल होते हैं उसमें इनका क्या होता है अलग अलग करते हैं। तो दैट मीन्स कि यहाँ ये सारी प्रोसेस करने के लिए कहीं ना कहीं रिसोर्स और ह्यूमन बींग्स का जो बीच में इंट्रैक्शन है वो होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी इंट्रैक्शन से ही आपका एक वर्ड आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं डेवलपमेंट। तो इसी से क्या होता है कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है, यानी कि अगर हम ये करेंगे तभी हमारे पास क्या होगा हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर आगे की बात करेंगे तो आई होप आपको रिसोर्स समझ में आ गया होगा कि रिसोर्स वो होता है जो हमारी जरूरतों को क्या करता है पूरा करता है, ठीक है। अब अगर आगे की बात करेंगे तो आगे की बात ये है कि यहाँ पे जो रिसोर्स है उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं फोर पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। और ये जो रिसोर्स है सबसे पहले अगर हम देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की अगर बात करें फोर टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं। जो सबसे पहला है वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन की बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं बायोटिक, एबायोटिक में। देन उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिविटी के बेसिस पे कि क्या कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, कि यदि एग्जॉस्टेबल है या नहीं है,
दैट इज कि यहां पे हम इसको दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं. जो पहला है वो है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ठीक है, अंडरस्टूड? यानी कि इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, है ना. नेक्स्ट क्या कहना है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स. ओनरशिप की अगर हम बात करेंगे तो ओनरशिप में दैट मींस कि जो फर्स्ट थिंग है वो क्या है, इंडिविजुअल. एंड द सेकंड वन इज दैट कम्युनिटी, एंड देन नेशनल एंड देन इंटरनेशनल. फोर टाइप्स ऑफ दैट मींस कि यानी कि ये ठीक है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, देन नेशनल है एंड देन इंटरनेशनल. यानी कि हम ओनरशिप मतलब कि हमारा क्या है या हमारे इतनी की ओनरशिप. जैसे अभी मैं इसका डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा तो कैसे क्या होता है. जैसे जब हम डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे अभी आगे तो हम बताएंगे कि इसमें क्या होता है. सब एक एक टॉपिक जो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, इसकी एक एक टॉपिक को हम पूरा कवर करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अब ये स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे इसको हम डिवाइड करते हैं फोर टाइप्स, ये थ्री टाइप्स में. दैट मींस क्या होगा, ठीक है, थ्री टाइप्स में. दैट मींस पोटेंशियल, नेक्स्ट वन इज दैट डेवलप, स्टॉक एंड देन रिजर्व्स. यानी कि यहां पे क्या होता है, ये रिजर्व्स. ठीक है, यानी कि इसको हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. तो ये सारे क्या थे, थ्री क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज के जो हम बना रखे हैं. इसको 1 2 3 4 ये फोर टाइप्स में इसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. आप इसको एक बार देखिए और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए. इतना नोट करने के बाद फिर आगे हम बताएंगे कि आगे क्या करना है और कैसे इसको हमको समझना है. एक 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 टॉपिक हम ऐसे समझेंगे. जैसे अभी इसके बाद फर्स्ट हमारा आ जाता है ये, एंड देन सेकंड ये, थर्ड ये, फोर ये. ठीक है, अंडरस्टूड? तो ये इसको हम समझेंगे एक एक करके. तो आप इसको पहले एक बार नोट करिए. ठीक है, आप लोग नोट कर लिया ना बेटा, आपने पूरा उसको नोट कर लिया है. देन आगे आप एक एक करके आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो सबसे पहला था, पहला क्या करता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना. रिसोर्स को हम क्लासिफाई किए थे फोर टाइप्स में. तो जो पहला था वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको दो टाइप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं. दैट मींस कि जो पहला है वो क्या है, ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. ओरिजिन के बेसिस पे यहां बायोटिक रिसोर्स और एबायोटिक रिसोर्स. अब बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, बायो मींस होता ही क्या है, लाइफ. समझ आ गई ना. यानी कि ये जो बायोटिक रिसोर्सेज होंगे ना वो क्या होंगे, ये कहां से प्राप्त होंगे, ये हमको ऑब्टेन होंगे नेचर से. कहां से, नेचर से. लेकिन उसमें लाइफ होनी चाहिए, वो जीवित प्राणी होने चाहिए, वो जीवित होने चाहिए. उसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोटिक रिसोर्स. जो हमको नेचर से मिले, कहां से मिले, नेचर से मिले एंड हैव लाइफ. और उसकी लाइफ हो, दैट मींस कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, हम लोग या फ्लोरा एंड फौना की बात करें, या हमारे जो फिशेज होती है उसकी बात करेंगे, है ना. ये सब कहां से हमको प्राप्त होते हैं, ये हमको नेचर से मिलते हैं. ये सब लिविंग यानी कि बायोटिक तरीके से हम इसको बोलेंगे, ये क्या होते हैं, ये बायोटिक रिसोर्सेज है. बेटा इतनी बात क्लियर हो गई है. तो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे एबायोटिक रिसोर्स की बात करेंगे, तो एबायोटिक रिसोर्स क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं. एबायोटिक का मतलब क्या होता है, जो जीवित ना, नॉन लिविंग. ठीक है, यानी कि एबायोटिक वहां से हम ऑब्टेन करते हैं कि जो लिविंग ना, दैट मींस कि जो मैनमेड हो, जो क्या हो, मैन मेड. यानी कि अगर एबायोटिक रिसोर्स की हम बात करेंगे और दो सब्सटेंस भी चार मेड अप ऑफ किससे बने हुए होंगे, नॉन लिविंग थिंग से. अंडरस्टूड? जो नॉन लिविंग थिंग से बने हुए होंगे, दैट मींस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं. ये क्या है, ए बायोटिक रिसोर्स है. इसको क्या कहते हैं, ए बायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जो कहां से बने हुए होंगे, चार मेड अप ऑफ नॉन लिविंग थिंग से जो बने हुए होते हैं. जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें, रॉक्स हो गया, वाटर हो गया, मेटल हो गया, सॉयल हो गया, या है क्या, ये है ए बायोटिक रिसोर्स. यानी कि दैट मींस कि ये नॉन लिविंग है. जो हमको कहां से मिलते हैं, जो नॉन लिविंग से जो रिसोर्स प्राप्त होते हैं, दैट मींस उसको हम क्या बोलते हैं, ए बायोटिक रिसोर्स बोलते हैं. ये था आपका पहला ओरिजिन ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. बस समझ आ गया ना, इतनी बात क्लियर है. तो अगर आगे की बात करेंगे,
नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है, सेकंड क्या है जल्दी से आपको सेकंड क्या है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी अंडरस्टूड तो आगे हम देखते हैं उसको सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी तो आगे की बात करेंगे जो सेकंड हमारा वो क्या था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी से जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैटेगराइज करते हैं एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यानी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो टाइप्स के रिसोर्स होते हैं एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा क्या होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर हम रिन्यूएबल की बात करें रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जो रिन्यू हो जाए हां एक बार चला जाए तो दोबारा फिर से आता है फिर से चला जाए तो फिर से आता है फिर से जाए तो फिर से आता है दैट मींस कि एक केस लेते हैं केस ये है एक बार ध्यान सुनना केस क्या है केस ये है कि आपके घर में न्यूज़पेपर आता है ना आप उसको पढ़ते हैं रख देते हैं आप पढ़ते हैं रख देते हैं पढ़ते हैं रख देते हैं डेली न्यूज़पेपर आता है इकट्ठा कर जाता है एक दिन इतना इकट्ठा हो जाता है न्यूज़पेपर ठीक है फिर आप क्या करते हैं उसको आप जो न्यूज़पेपर जो वेस्ट मटेरियल खरीदने वाले होते हैं जो आपके गली में जाते हैं ना तो आप उनको भेज देते हैं अब वो क्या करते हैं क्या न्यूज़पेपर पढ़ के आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं क्या ऐसा नहीं ठीक है वो लोग एक्चुअली उसको करते क्या है वो ले जाकर के दूसरी जगह भेज देते हैं तो फिर जो उससे खरीदते हैं फिर वो लोग क्या कर देते हैं कि ऐसी फैक्ट्री में लेकर के जाते हैं कि उसको पूरा सा मतलब कि फिर से पूरा इसको निचोड़ करके पूरे एकदम से उसको रिन्यू कर देते हैं फिर से नया पेपर क्या हो जाता है उसी तरह पूरा नया पेपर फिर से आ जाता है और उसी में फिर से न्यूज छप जाती है दैट मींस कि इसको तो हम लोग कहते क्या है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एक बार का ध्यान सुनना कि ऐसे रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यू और रिप्लेनिश जो रिन्यू और रिप्लेनिश हो जाए दोबारा आ जाए चाहे वो फिजिकली चाहे वो केमिकली और या मैकेनिकली प्रोसेस यानी कि ये जो प्रोसेस है फिजिकली केमिकली एंड मैकेनिकल यानी जो मैकेनिकल प्रोसेस है फिजिकल मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से ये वापस से दोबारा हम इसको रिन्यू कर पाए दैट मींस दिस इज नोन एज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज अंडरस्टूड यानी कि जैसे की बात ध्यान सुनना कि या तो हम क्या करें वो जो न्यूज़पेपर हमारे घर में आया था या जो हम क्या करते थे ढेर सारे कबाड़ रखते थे है ना यानी कि एक तरीके से वेस्ट चीज ऐसे ढेर सारी प्लास्टिक के बहुत ढेर सारे ऐसे टिफिन होती हैं या बॉटल्स होती हैं जिसको हम लोग बाहर फेंक देते पानी पिए दे फेंक दिए थ्रो ऑफ कर दिए तो उसमें क्या होता है कि आप लोग देखते हो ना कि जो हम लोग धावत पे जाते हैं जो डिस्पोजल्स यूज करते हैं उसको हम लोग फेंक देते हैं तो सुबह जो उसको लेने वाले आते हैं जो कबाड़ी जिसको कहते हैं ना वो लोग क्या करते हैं वो लोग उसको लेकर के रख लेते हैं और अपने बाद क्या उसको अचार डालते हैं नहीं ना वो क्या करते हैं वो ले जाकर उसको दूसरी जगह बेच देते हैं वहां क्या करते हैं उसको फिर से पिघलाया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ केमिकल से या एक तरीके से मैकेनिकल जो भी प्रोसेस होता है उसको पिघला करके और फिर से एज अ न्यू प्रोडक्ट के तरीके उसको फिर से लॉन्च कर दिया जाता है मार्केट में दैट मींस कि इसको इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं सो बेटा बात क्लियर हो रही है ना एक बात और अब क्या होता है एग्जांपल ले लेते हैं जैसे सोलर विंड एनर्जी हो गई जो वाटर हो गया ये फॉरेस्ट हो गया ये क्या है रिन्यूएबल ठीक है जैसे अगर हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की बात करेंगे या विंड एनर्जी की बात करेंगे वाटर की बात करेंगे कभी खत्म होने वाला नहीं ठीक है एक बार जाता है दोबारा फिर से आ जाता है और एक और जैसे क्या होता है सन की जो रेजेस है ठीक है हमको उससे एनर्जी मिलती है इस पूरे वर्ल्ड में कितने लोग ऐसे हैं हम लोग भी हैं जो क्या करते हैं सन की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं मतलब कि इन केस मतलब कि हम लोग भी धूप लेते हैं हमको विटामिन डी मिलती है उससे तो क्या सन की रोशनी खत्म हो गई ऐसा नहीं है जितने भी प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो जो सन की रेजेस आती हैं उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं तब तो उनकी लाइफ खत्म हो जानी चाहिए ना लेकिन ऐसा नहीं है दैट मींस कि यानी कि एक तरीके से ये जो ऐसी जो एनर्जीज हैं जिसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आपका सोलर एनर्जी की जो अब एक केस हम लेते हैं केस वही सूरज का केस है यानी सन का केस है सन का केस ये है कि जो आप लोग सोलर सिस्टम यूज करते हैं सोलर सिस्टम में होता क्या है कि एक बार वहां से एनर्जी आई
आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, आपने उसको यूज किया, फिर से रिन्यू हो गया, फिर से आपने यूज किया, फिर से रिन्यू हो गया, दैट मींस दिस इज नोन एज द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, यानी कि रिसोर्सेज का अधिक मात्रा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब क्या होता है कि जो रिन्यू ना हो, अंडरस्टूड, यानी कि जो रिन्यू ना हो, दैट मींस उसको हम क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज वंस कंज्यूम कैन नॉट बी रिप्लेस्ड नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज क्या होते हैं, एक बार कंज्यूम होने के बाद दोबारा हम उसको रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, उसी को तो कहते क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दैट मींस कि बेटा मेरी बात ध्यान सुनना, कि जब हम एक बार अगर क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, जो भी करते हैं, या कार चलाते हैं, तो क्या होता है कि जो वहां पे क्या होता है कि आप जो ऑयल का यूज कर लेते हो, क्या आप वो जो पेट्रोलियम है, वो जो डीजल है, क्या आप उसको दोबारा रिप्लेस कर पाते हो, नहीं ना कर पाते हो। दैट मींस ये ही तो एग्जाम्पल है किसका, आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है क्या। लेकिन एक्चुअल में ये रिन्यू होता है, लेकिन इसको मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं, इसलिए ना के बराबर हम समझ लेते हैं कि रिन्यूएबल नहीं होती। क्यों क्यों? क्योंकि इसको मिलियंस ऑफ इयर्स लग जाते हैं रिन्यू होने में। इसलिए जैसे कभी कभी मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में अगर छोटी सी वैल्यू आती है तो उसको नेग्लिजिबल मान लेते हो कि ना के बराबर है। जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, तो उसी ऊंट के मुंह में जीरा मतलब क्या हो, अगर कोई आपको आपको भूख बहुत तेज लगी है और बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है और आपको भूख बहुत तेज लगी है और इतना तोड़ के बिस्किट दे देगा, तो क्या भूख मिटेगी? नहीं मिटेगी ना। दैट मींस कि यहाँ पे यही केस है कि ये रेनिंग होता है लेकिन मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होगी। आगे जो नेक्स्ट बचे हुए हैं, दो चीजें और बची हुई हैं, ये रिसोर्सेज के दो टॉपिक अभी और बचे हैं, हम दो टॉपिक इसको कवर किया है। एक था ओरिजिन ऑफ, ये ओरिजिन एनालिसिस ऑफ ओरिजिन एक, और दूसरा क्या था, एनालिसिस ऑफ एग्जॉस्टिव बिल्ड। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए बेटा, आप जरूर कमेंट करके ये पूछिए कि हाँ सर मुझको ये चीज समझ में नहीं आई है। और एक बात और, आप इसको जरूर नोट करें, ठीक है, एक बार आप नोट हो गया, आपने नोट कर लिया ना, आपने जो पहली वीडियो है उसको भी नोट कर लिया था, इसको भी नोट कर लिया है। ऐसे ही आप नोट्स बनाते चलोगे और आप इसको पढ़ते चलोगे, और फिर अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या होता है, मुझे पता, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।